अभी ना दो दिन पहले एक इंसान था जो कह रहा सामने वाले कैमरे से व्लॉग नहीं करते। जिस दिन तुसार ने इसकी व्लॉगिंग करी थी ना, बहुत अच्छी करी थी, उस दिन का व्लॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा। रुको जरा, सबर करो, अब पता से पेटीएम कर देना। मैं भी यही सोच रहा था, ये भूल क्या रही है यार, पर पैसे में, पैसे का मैटर भाई, पैसों में खरीद लेता हूँ मैं लड़कियों, ओनली मनी मैटर्स। बात तो सही है। ये मेरे बड़े भाई है फूल सिंह, मेरे को फिर सेवा करवाते रहे, मेरा हस्बैंड इनकी सेवा करना पड़ता, तो सेवा को फल तो भाई मिलना चाहिए ना, होता सेवा को फल भी मिलना चाहिए। ये किसान भाई, किसान भाई राम राम भाइयों। तो एक छोटी सी वीडियो अपने एल्विस भाई के नाम पे बन रही है। ये अपना एल्विस भाई अब बिग बॉस घर में जा चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल अपना भाई एल्विस बिग बॉस घर में एंटर कर चुका है और जाते ही सिस्टम रौला जमा दिया है भाई ने अपना। बात तो सही है। बहुत टाइम पहले की बात है जब एल्विस भाई से कही गई थी कि बिग बॉस में जाओगे, तब भाई ने मना कर दी थी, पर इब के जो भाई चला गया है वो उसका कारण मेन तो यही है कि अपना जो फुकरा भाई है वो अकेला पड़ गया था घर में। दो तीन दिन पहले एल्विस भाई ने बोली भी थी कि भाई अपना भाई बिल्कुल अकेला पड़ रहा है बीच में, जब तक जान का कोई प्लान कोनी था, है ना। अब जान का प्लान बन गया, बुला लिया बिग बॉस वालों ने, तो भाई ने भी कहा क्यों नहीं, है ना। अपना भाई वहाँ अकेला था तो उसके सपोर्ट में भाई भी पहुँच गया। अब ये जो भी संस्कार सिखा रहे थे हमारे भाई को, फुकरा भाई को, उनको संस्कार देगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और जब हमारे फुकरा भाई ने छोटी सी बात बोल दी तो कहती कि तुम्हारे संस्कार दिखते हैं। लेकिन एक सेकंड है, मतलब चार दिन पहले जब वो पप्पी का किस्सा हुआ तब हमारी भट्ट मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब उन्होंने बस टास्क है होन दो है। संस्कार भाई के जानती है तू, किस घर में पला है, क्या संस्कार है उसके, कहाँ से आ रहा है वो तू जानती है। प्रॉब्लम है ये, जब ना जानो तो ना बोलो। नेवर, है ना। आप बहुत पहले रेलेवेंट रही थी, मैं मानता हूँ आप कुछ फिल्में अभी भी मैं याद करना चाहूँ तो शायद ना याद कर पाऊँ अभी, तो मतलब तुम्हें जानते हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ भी बोले चले जाओगे। तुमसे छोटा है तो उसको तरीके से बात करो भाई, है ना। बात तो सही है। अपना रही बात एल्विस भाई की, राव साहब का तो क्या कहना, सारे शहर में है रुतबा राव साहब का, और उन्होंने जो भी करा है जितना भी अभी तक वो अपनी मेहनत पे करा भाई ने, बिल्कुल जो भी आज आप उसकी जो भी रुतबा लोग कह देते हैं कि भाई इसका सिस्टम है, तो सिस्टम उसने खुद बनाया है, वो किसी और के दम पे ना उछला, उसने छोटी से छोटी चीज़ से चालू करा और अब इतनी बड़ी चीज़ है भाई, अब वो देख ही लोगे हैं। जो लोग राव साहब को नहीं जानते वो अब जान जाएंगे, और जो जानते हैं वो तो वहाँ वोट कर ही रहे हैं। अब रही बात उन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि अब किसको सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट तो भाई यूट्यूबर को ही करना है, अब चाहे वो अपने एल्विस भाई हो या फिर हो अपने पुकरा इंसान, हमें तो है मतलब यूट्यूब जीतना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अब जो आ गया है एल्विस भाई तो कंपटीशन बन गया है, फुकरा इंसान को भी थोड़ा कंपटीशन मिल गया है। अब तक फुकरा इंसान की जीत पक्की थी, अब लोगों के दिमाग में सवाल आया है कि अब कौन जीतेगा, और सवाल यही है कि फुकरा इंसान या एल्विस भाई। तो फाइनलिस्ट तो हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में क्या, पूरे देश को पता है अब कौन जीत रहा है। एल्विस भाई तुमने फुकरा के साथ ये गलत तो कर दिया इस टाइम पे जाके, बड़ा हरामी हो बेटा। अब कल का जो एपिसोड रहा है वो तो कल मैंने, मतलब पहला ही एपिसोड होगा जो मैंने खुद देखा है, और कल तो शाम को मैं लाइव भी देख रहा था उसका, जब एल्विस जाने वाला था उस टाइम से मैं लाइव भी देख रहा था उसको। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर जैसे कि मैंने चालू कर दिया, मेरी तरह हजारों लाखों लोगों ने कल दोबारा चालू किया है इस शो को देखना, तो एल्विस भाई ने ये दिया है इस शो को कि उस शो को वापस लोगों की नज़रों में ऊपर लाया, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बना दिया है उसको शो को। हाँ, इतनी जल्दी आ जाता है इनको, क्योंकि सीरियल में कराई क्या है इन्होंने, चार बार इधर क्या 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 करके रोया ही है इन्होंने, है
सास बहू के सीरियल बना बना के इन्होंने रोना सीख लिया। गजब बेइज्जती है। अब ये वही कर रहे हैं। कल के एपिसोड में जब कुर्बानी देने की बात आई थी, जब परसों के एपिसोड में जब अपने अपने पर्सनल आइटम्स, वो मॉम डैड के फोटो जो अपनी फैमिली फोटो होती है भाई, वो उसने डिस्ट्रॉय करने दे दी। और उसके बाद आके वो हंस रही है, कहती है ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। गेम में आने के लिए या गेम को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए आप इतना मत गिरो कि आप अपनी फैमिली की इज्जत भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि बाहर देखने वाले सब मतलब हम नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करके कहीं पहुँचो, ठीक है? हम लोग सब आपको देखना चाहते हैं, आप एंटरटेनमेंट रखो। आप ये चुगलियाँ जो करते रहते हो ना कि यार ये कमजोर है, ये खराब है, उससे आप खराब दिख रहे हो भाई। वो तो है ही अच्छा, इसीलिए तो उसे दूसरों की बात नहीं करनी पड़ रही, फिर भी वो रेलेवेंट है। और राव साहब से तो थोड़ा बच के ही रही हूँ, सिस्टम है उनका, घर के भीतर तो बिगाड़ ही देंगे, बाहर आके तो उखाड़ देंगे। भाई को बहुत बड़ा रोड़ा है ये, मतलब लाखों की जनता कंट्रोल करते हैं। और भाई जब एलविश भाई आपके व्लॉग आने तो कम बंद नहीं होंगे, मतलब लव कटारिया भाई अपना और लक्ष्य भाई लगे हुए हैं, पर अब जो व्लॉग में जो आपको मिस करेंगे ना, तो उसके लिए आपको यहीं देख 24 घंटे लाइव पे देखेंगे, है ना भाई? यूट्यूब पे कहीं भी देख लो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, जिस तरीके से पुनीत 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 हो गई थी, अब एलविश 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 है, ठीक है? तो भाई एलविश भाई को पूरा सपोर्ट करना है, जीताना है। और भाई हरियाणा छोड़ दो भाई, हम बड़ी चीज पे देख लेते हैं। हरियाणा का तो नाम बहुत बढ़िया है, मतलब हरियाणा से कौन ना गया, हमारा गुज्जर भाई गया था, हैं? मनवीर गुज्जर गया था, जीत के आया। सपना चौधरी आई थी, फाड़ के आई इनको। तो हमारे यहाँ से तो जो भी जा रहा है वो घर को तो उखाड़ दे ऐसी है, पर वही है कि ठीक है, प्रेम भाव ते लौट आए हैं, वरना बावड़ी गेंद के थोड़े होश में बतराया करो। और मतलब आप एज अ फैमिली रह रहे हो, आपको मानता हूँ एक एक ना एक को गिरा के फिर आप आगे बढ़ पाओगे, एक को निकालोगे तो आप आगे जाओगे। एक को निकाल के या एक को आगे, एक को गिरा के या मतलब एक को, अरे कहना क्या चाहते हो, कमजोर करके अपने आप को गंदा दिखा के नहीं, तो उस हिसाब से गेम खेलो कि आप भी गंदे ना दिखो और एंटरटेनमेंट होती रहे। ये गेम एंटरटेनमेंट शो है। बाकी एलविश भाई आ गए हैं, वो देख लेंगे तुम्हें और तुम्हारा खेल भी। और फुकरा तो तुमसे फुकरा ही नहीं संभल रहा था, एलविश तो अब बावड़ा कर देगा तुम्हें, है ना? ठीक है, सिस्टम चलता है सिस्टम। चलो फिर, राम राम, ध्यान रखो, देखते रहो बिग बॉस। और भाई को सपोर्ट करना है, भाई बोले तो चलो आप, ये आप पे छोड़ देता हूँ, डिसाइड कर लेना फुकरा इंसान या फिर एलविश यादव। बाकी जीतना अपना यूट्यूबर ही है, और जीतना तो ऐसे एलविश भाई को ही है अब, पर ठीक है, कर लो फुकरा भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट और प्यार बना रहे, ठीक है? फुकरा भाई भी नहीं जीतते हैं तो कोई बुरा नहीं है, ना फुकरा भाई को बुरा लगेगा ना यूट्यूबर कम्युनिटी, बात तो सही है को, क्योंकि सेकंड तो अपना रनर अप तो फुकरा भाई है, फर्स्ट ही तो आ रहा है एलविश अब। चलो राम राम। सो गाइस, आज है मुझे थोड़ा सा काम है, बाइक में काम करवाना है, बाइक का खर्चा आ गया। राम राम जी। इसका भाई इंजन लीक हो गया, यू इंजन का काम करवाना है, यू किक फ्री होगी इसकी, इंजन की सील टूट गई भाई, यू सील में काम करवाना है, तो निकल रहा हूँ। भाई बोलू, अभी कहाँ हुआ भाई? मैं बताऊँ, अभी हम बल्लभगढ़ थे और बल्लभगढ़ मतलब हाईवे पे थे, और एकदम इसकी पीछे वाली ब्रेक हो गई जाम, और एकदम स्किट करती हुई गई बाइक है ये बॉय। और भाई वहाँ रुके, फिर दो चार लात मारी या पेडल में, फिर डिस्क ब्रेक फ्री हुई, फिर जाके हम यहाँ पहुँचे। अब भाई के हाथों में है, भाई अब चकाचक कर दे भाई, हो जाएगी ना चकाचक, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? भाई तो हंस रहे हैं बोल रहा हूँ भैया, पूरी मार्केट है ये तो बाबा जी। क्या बोला तूने? पैसा लेके भी काम नहीं कर रहे भाई, कैसे करोगे दोस्त? बाबा पैसे नहीं देते इसलिए काम नहीं करता।
यार बाबा कहते भी कहीं रुपये लेने बाबा जनता से रुपए ले तो अच्छा आपके कहने का मतलब है कि बाबा जी अगर रुपए ले रहे हैं जनता से तो काम करवा रहे हैं तो उसके पैसे दे। चलो ये बात तो आपकी मतलब सही है, जायज बात है। संत महात्मा ही लग रहे हो कोई है भाई ना, हमारी किक भी ठीक कर दी है तो अपनी किक भाई आके यार देखो थोड़े ये तो वो लग रही फ्री है ये भाई क्या कि चल देखेंगे आखिर भी। और यार देख लो भैया कैसे करोगे डिस्क ब्रेक की पंप डलवानी है, पंप का है पहले देखो तो सही कैसा नहीं रही वैसे ही ठीक है जाएगी। इतने तो यार छोटे मोटे मिस्त्री हम भी मेरे भाई एक बार पता कर जाओ मेरे पंप कितने हैं उसके बाद मैं छेड़ूंगा। वो गया तो है पता ना कहाँ। अरे वो देख मैं यही कह रहा था कि हम पहुंच गए भाई घर, अपनी बाइक भी रिपेयर हो गई है, बढ़िया चल रही है एकदम ना, मक्खन चल रही है मक्खन, मज़ा आ गया। और मैंने खाना भी खा लिया भाई, और ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मम्मी से चंपी करवा ली, और मम्मी के हाथों में जादू ही होता है भाई, और चंपी करवा के एकदम फर्स्ट क्लास माइंड हो गया। अब करना है बैठ के काम,